साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फियरलेस स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूपी TSSC लेखपाल भर्ती में जो तैयारियां हैं नियुक्ति पत्र की, वो जोर शोर पे चल रही हैं और शायद आपने तैयारी कर भी ली होगी और कल आप नियुक्ति पत्र लेने पहुंच रहे होंगे। सभी लोग मतलब नियुक्ति पत्र लेने पहुँचे, लेकिन ऐसा भी है, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसमें है क्या, जैसे हमारा भी बहुत दूर पड़ गया है, बहुत सारे लोगों का इधर उधर पड़ा है, लगभग 1200 लोगों से ऊपर हैं जिनका मतलब अपनी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, बहुत बहुत दूर फेंक दिया है। एक प्रयास हमको एकजुटता के साथ ये भी करना चाहिए कि जितने भी लोग इधर उधर हैं, राजस्व परिषद से एक विचार रखना चाहिए कि जितने भी लोग इधर उधर फेंके हैं आपने, उनको मतलब या तो अपने ज़िले में शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब अपने मंडल में शिफ्ट कर दिया जाए, या फिर पास का मंडल दे दिया जाए। बहुत बहुत दूर मतलब इधर से, मतलब ऐसे मान लो कि सहारनपुर से पूछ दिया गोरखपुर, गोरखपुर से सहारनपुर, ये चीज़ गलत है। ये एक चीज़, एक मुद्दा उठाना पड़ेगा राजस्व परिषद पे। तो ये 1200-1250 लोग हैं जो इधर उधर हैं, इसमें समझना कि अकेले दो चार ही लोग होंगे, बहुत बड़ी संख्या है जो इधर उधर फेंके हैं, और इसके चक्कर में बहुत सारे लोग अपने तैयारियां भी कर रहे होंगे, लेने जा रहे होंगे जो नियुक्ति पत्र वगैरह, और परिषद की तरफ से और शासन प्रशासन की तरफ से पूरा जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। अब देखो, मेगा शो तो नहीं है, लेकिन मेगा शो से कम भी नहीं है, क्योंकि इसका पूरा प्रचार प्रसार पूरे न्यूज़ चैनल, बड़े मीडिया वगैरह पे, सब पे किया जाएगा। ये आपको मालूम है, क्योंकि सरकार जब कोई चीज़ देती है, ये बड़ी भर्ती है, 7897 लोगों की नियुक्ति हुई है, ये छोटी मोटी भर्ती नहीं है। और इसमें एक चीज़ और अपने दिमाग में रख लेना, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि इसमें तुम्हारा प्रोविजनल वाले नहीं है, प्रोविजनल वाले भी शामिल हैं, लेकिन प्रोविजनल वालों को अभी नियुक्ति पत्र थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। दोस्तों आपके लिए ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, नहीं, ये फ्रेश मिलेंगे और 10-15 दिन के अंदर आपका भी सिस्टम हो जाएगा, ठीक। तो इसमें 7897 लोगों में फ्रेश वाले भी हैं और तुम्हारे प्रोविजनल वाले भी हैं, दोनों ही साथी हैं। तो ये दिमाग से निकाल देना कि सिर्फ मतलब एक ही व्यक्ति, मतलब दो, अब वो अलग हैं ये अलग हैं, वो सारे लोग आ गए हैं, ठीक है। और ज़ोर शोर से मतलब तैयारी कर रहा है पूरे की पूरी, मतलब शासन प्रशासन, और इसको कल मीडिया पे देखना आप, मीडिया पे, हर मीडिया चैनल पे चलाया जाएगा, प्रचार प्रसार किया जाएगा, क्योंकि नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है, आपको मालूम ही है। और ये जो पोस्टर आपने देखा होगा, ये वाला जो मिशन रोजगार के तहत ये वाला जो पोस्टर है, और ये वाला कल ही छप गया था और कल ही इसको जारी कर दिया गया था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित 7897 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा, और दिनांक का सारी चीज़ लिख रही है यहाँ पे, दिनांक तुम्हारा 10 जुलाई 2024, समय पूर्वाह्न 11 बजे, और स्थान लोक भवन सभागार लखनऊ, युवाओं का रोजगार, डबल इंजन की सरकार, मतलब अपनी सारी चीज़। और ये तुम्हारा लाइव प्रसारण किया जाएगा, ये देख लो किस पे किया जाएगा, ये तुम्हारा DD न्यूज़ पे है, यूट्यूब, ये वाला DD न्यूज़ यूट्यूब, ये इस पे लाइव प्रसारण किया जाएगा, यूपी गवर्नमेंट ऑफिशियल पे, मतलब ये लाइव प्रसारण करेंगे और मीडिया चैनलों पे आएगा ये, ठीक है। और राज्य परिषद की तरफ से पूरा सूचना प्रसारण मंत्रालय, सब चीज़ जुटे पड़े हैं, मैं कह रहा हूँ इसमें शासन प्रशासन बहुत मुस्तैदी से जुटा पड़ा है और इसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से कराएगा। और दोस्तों, जिनको भी लखनऊ बुलाया है, ज़रूर से ज़रूर जाएँ, ऐसा नहीं कि मैं दो, ऐसा देखो एक चीज़ अपने दिमाग में और निकाल देना कि कोई व्यक्ति छूट जाता है तो एक दो दिन बाद उसको नियुक्ति पत्र मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन ज़रूर लेने जाइए, उसको वेट मत करिए कि मैं 4 दिन बाद ले लूँगा कि जब जाऊँगा तभी ले लूँगा, नहीं, आप ज़रूर नियुक्ति पत्र लेने जाइए। इतनी परेशानियाँ झेली हैं तो थोड़ा सी परेशानी और झेल लो, नियुक्ति पत्र लेने ज़रूर जाओ, चाहे लखनऊ बुलाया जाए चाहे आपके ज़िले में बुलाया जाए, ये बात समझ लो आप, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ के लिए। अब आप छोड़ दोगे तो बहुत समस्या आपको होगी बाद में कि हम नहीं जा पाए, मौका गंवा दिया, पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों। तो ज़रूर जाइए, चाहे कहीं भी लखनऊ बुलाएं चाहे कहीं बुलाएं। और दोस्तों, ये दोबारा से आपको बधाई है और आपके परिवार को सबसे ज़्यादा बधाई है, अब सब झेल रहे हैं, आप झेल रहे हो, उससे ज़्यादा आपका परिवार झेल रहा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं झूठ बोल दिया लड़ने ने, लड़के ने, लड़की ने, कि इसका सिलेक्शन हो गया और सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, तो इस प्रकार से। तो ठीक है दोस्तों, ये चीज़ थी जो मैंने बता रहा था आपको, और आप सब पहुँच रहे होंगे और ज़रूर पहुँचें, और इस चीज़ पे मत छोड़ें कि हम नहीं जा रहे हैं तो मतलब कल ले लेंगे, परसों चले जाएंगे, मेरे को काम है, काम छोड़ दें, नियुक्ति पत्र लेने जरूर जाएं, ठीक है दोस्तों। और इसी शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, धन्यवाद दोस्तों।